क्या हुआ? 1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डॉट 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 फाइंड सम अप टू एंटर। अच्छा, कभी कभी TN नहीं दिया रहेगा तो TN तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। अभी TN निकालना सिखाया था भाई पिछले टर्न पे, जो ऊपर चल रहा था, तो अब नीचे चल रहा है। ये देखो TN लिख रहे हैं भाई साहब, एक बार चेक कर लो। सही है, चलो वन डालेंगे यहाँ पर। तो वन एक तो थ्री आएगा, बिल्कुल टू डालो, सर टू एन माइनस वन। ये कौन सी बात, दूसरे टर्म के लिए थ्री डाल दोगे? हाँ, टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन, ये सही निकाल। TN आएगा भाई 1/2n − 1 × 2n + 1। अब स्प्लिटिंग जब करोगे तो TN बराबर 2n + 1 − 2n − 1 डिवाइड बाई 2n − 1 × 2n + 1। यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है तो 1/2 बाहर करना पड़ेगा। बोलो, यहाँ 2 एक्स्ट्रा लिख रहे हो, 1 और ये 1, 2, बाकी ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 अगर ऊपर एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो 2 से डिवाइड भी मानना पड़ेगा, क्योंकि TN बदलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अरे भाई साहब, क्योंकि यहाँ 2 आएगा ना ऊपर, तो 2 आएगा, नीचे 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो TN ही बदल जाएगा। तो यहाँ पे TN बराबर क्या आ जाएगा भाई, अब हाफ बाहर रहेगा, ठीक है? अलग अलग करोगे तो 1/2n − 1 − 1/2n + 1। अब रखना स्टार्ट करेंगे तो T1 कितना आएगा बताओ, बहुत आसान होता। T1 कितना आएगा, 1/1 − 1/3। T2 कितना आएगा, 1/3 − 1/5। T3 कितना आएगा, 1/5 − 1/7। ऐसे डॉट 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 डॉट। TN कितना आएगा, 1/2n − 1 − 1/2n + 1। कैंसिलेशन ये हो रहा है, ये पहला और ये बच जाएगा लास्ट वाला, तो आ जाएगा SN बराबर 1 − 1/2n + 1, यानी 2n / 2n + 1। हाँ, 1/2 बचा है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 कैंसिल करके ये लेंगे। खुश? बहुत आसान होते हैं भाई स्प्लिटिंग इन टू टर्न। सर ये जो फॉर्मूला बताएं सर। हाँ बोलो। कैसे फार्मूला क्या भाई, बार बार न्यूमरेटर तुम्हारा डिनोमिनेटर चेंज होगा, फार्मूला नहीं, एक तुम्हें मेथड सिखा रहा हूँ मैं ऐसे करना, अगर नीचे प्रोडक्ट के फॉर्म में चले तो। अभी यही तो सोचो, ऊपर होता न्यूमरेटर में होता तो याद है कैसे लिखते थे, कैसे करते थे? TN लिखते थे और डायरेक्टली समेशन लगा देते थे, क्योंकि हमें एन स्क्वायर और एन का समेशन पता होता है, 1/n² 1/n का समेशन पता नहीं है, तो उसको मेथड ऑफ डिफरेंस से करते हैं, स्प्लिटिंग इन टू टर्म इन न्यूमरेटर। हो गया ये? हो गया ये? अरे हो गया भाई, इरेज करें? चलो इरेज करने जा रहा। चलो आओ देखो, यहाँ 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/3 × 4 × 5 डॉट 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 डॉट। फाइंड सम अप टू एंटर। तीन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तीन लिखेंगे, n n+1 n+2, लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे,
T1, T2, T3 निकालेंगे, कैंसिलेशन होगा, आंसर आएगा। करें, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं बेटा, बोला क्या हूँ, बड़ा माइनस छोटा, बस बाकी और नहीं सोचना। सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा तो है क्या, बड़ा सबसे n प्लस टू माइनस n, एक्स्ट्रा को लिखना पड़ माइनस n, बस भाई काहे बेवकूफ़ी कर रहे हो। बड़ा माइनस छोटा उसको छोड़ दो, बस ये बोला हूँ लास्ट माइनस फर्स्ट, बड़ा माइनस छोटा बस, बाकी छोड़ दो। अभी अपने आप तुम्हें चीज़ें दिखेंगी। अब T1, T2, T3 निकालो भी, अपने आप में कैंसिलेशन दिखेगा। क्या दिक्कत आ रही है सागर कुमार? अरे दो आएंगे भाई साहब, वन रखोगे तो 1 × 2 आएगा, यहाँ 2 × 3 आएगा। सर अच्छा ये क्या कर रहे, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ 1 1 1 तो लिख दो, 1 × 2 1 × 3 हाँ 1 × 1 1 × 3 अब आ गए T2। कैलसिनेशन हो रहा है, फंस गए। एन प्लस टू माइनस एन करोगे ना, लास्ट माइनस फर्स्ट करोगे, तुम गलत किए हो। हाँ गलत किया है, तुम करो सॉल्व करो, निकालो। लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, बड़ा माइनस छोटा, सबसे बड़ा एन प्लस टू है, सबसे छोटा एन प्लस वन रहेगा या एन रहेगा? कॉमन सेंस लाओ, तो वही तो तुम्हारा कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। करो करो मेरे अनमोल रत्नों, इतना तेज करो, इतना मजेदार टॉपिक पढ़ रहे हो तुम, अंदर से तुम्हारे उत्साह आना चाहिए, उत्साह जिसको बोलते हैं। घर पे जाओगे आरडी शर्मा को ऐसे देख के कहोगे है यही लगाना है क्या, इससे अपर लेवल लगाएंगे। कैंसिलेशन हुआ नहीं हुआ? हो गया। पहला और लास्ट टर्न बचेगा बेटा, पहला और लास्ट टर्न। देखिए इसको ऊपर लिखा छोटे को माइनस है सर, एन प्लस टू माइनस एन करेंगे सर, प्लस टू एक्स्ट्रा जो आएगा सर माइनस टू भी तो करेंगे, यहाँ पे माइनस टू भी तो करेंगे, तभी तो चल तो जीरो आ जाएगा ना। 1/2 से डिवाइड मार दो, क्या बुराई है, 2 से नीचे डिवाइड मार दो, तुम्हारा जीरो तुम्हें खा लेगा। 2 से डिवाइड मार दो, अगर 2 पर एक्स्ट्रा आ रहा है तो सर यहाँ ऊपर 1 आएगा सर, वैसे जीरो आ जाता है, मैं माइनस टू करता तो मैं नहीं।
तो वन लाने के लिए टू से डिवाइड मानना पड़ेगा ना। नहीं हाँ, ये देखिए सर, एन माइनस एन करेंगे टू माइनस वन वन, तो कैसे ऐसे कुछ भी कर दोगे? अभी तो बोले कि वन लाना है ना ऊपर, ऊपर वन लाने का मतलब ये नहीं हो फर्स्ट माइनस लास्ट करो, लास्ट माइनस फर्स्ट करो, उसका अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो डिवाइड मार के उसको कंपनसेट करवाओ। जो भी आएगा एस एन पहला और लास्ट टर्म बचेगा, पहला और लास्ट टर्म मतलब हाँ ठीक है वो बताओ भाई। देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार देख लें, देख लें देख लें, पहले तो टी एन लिखना सीखें। टी एन कितना आ रहा है? वन अपॉन एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, बोलो टी एन हो गया। अच्छा अगर वन इंटू टू इंटू थ्री चल रहा है तो इसमें बेटा करते ये हैं, क्लियर है, ध्यान समझेंगे कि लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करोगे तो एन प्लस टू माइनस एन डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, ये आपका आएगा टी एन। अब अलग अलग कर देंगे, जब अलग अलग करोगे तो आएगा क्या बताओ मुझे? टी एन इज इक्वल टू, हाँ टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पे टू एक्स्ट्रा आ रहा है, तो टू से डिवाइड मार देंगे ठीक है, ताकि टी एन बदले ना। तो यहाँ पे देखो आएगा क्या, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन माइनस ऑफ वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये टी एन आ चुका है। अब T1, T2, T3 निकालते हैं, तो जब T1 निकालोगे तो 1 अपॉन 1 इंटू टू माइनस टू इंटू थ्री, बोलो T2 निकालोगे तो 1 अपॉन 2 इंटू थ्री माइनस 1 अपॉन 3 इंटू फोर, ऐसे T3 निकालोगे तो 1 अपॉन 3 इंटू फोर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू फाइव, ठीक है ऐसे डॉट 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 डॉट। आप Tn निकालोगे तो Tn आएगा 1 अपॉन n n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस टू, तो यही आएगा। अच्छा कैंसिलेशन ये हो रहा yes. तो बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला टर्म बच जाएगा। हाँ हाफ, हाफ को बाहर से लिख लेंगे ना, सब में हाफ 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 आएगा, तो हाफ को बाहर रखेंगे। उसके बाद वन अपॉन वन इंटू टू माइनस हाफ वन अपॉन एन प्लस वन इंटू, हो गया क्लियर है ना? हाँ सर। चलो बहुत सर, अगर ये हो गया है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं सवालों को। इरेज करें सर, वन इंटू टू इंटू थ्री तब हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ एक टी एन बनना चाहिए तभी ये समेशन निकाल पाओगे, ऐसे अपने हिसाब से टी एन रख दोगे तो समेशन नहीं निकाल पाओगे, क्लियर है? सोचने वालों ने सोच के रखा है तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हें सोचना नहीं है ठीक है। जब तक कोई ऐसा चीज़ नहीं बनेगा कि मेथड ऑफ डिफरेंस या कैसे सॉल्व करें, अपने हिसाब से तुम नहीं बना सकते सीक्वेंस, या तो फिर उसका तुम्हें सलूशन देना पड़ेगा कि हाँ ऐसे सम निकाल सकते हो। अब ये मत कहना कि एक से लेके सर ऐसे कोई बना ले सौ तक बैठ के पाँच दिन मतलब कैलकुलेट करें उसके बाद बताएं ये रहा आंसर, तो ये तो सब बेकार माना जाएगा ना। ऐसे पेपर में आएगा बोलेगा, पेपर में आएगा तो कोई ना कोई सब मेथड होगा जिससे सॉल्व हो जाए ठीक है, अदरवाइज सबके लिए तो वही रहेगा कि बैठ के उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। आधे घंटे का टाइम है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे बोले शाम आप 20 देख, तो ऐसे ही कर सकता हूँ मैं। अब वो तो तुम जानो, तुम्हारी शिद्दत तुम्हारी मेहनत जाने। अरे ना, दिल मत दिखाएगा। चलो एक सवाल और बताएं, ये भी सही है। एक सवाल और, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। डॉट 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 डॉट, फाइंड सम अप टू एंटर, फाइंड सम अप टू एंटर। पहले तो टी एन लिखना इसका देख लेंगे। टी एन क्या आ रहा है? टू एन माइनस वन
हाँ टू एन प्लस वन प्लस टू हाँ क्या लिखे वो टू एन प्लस थ्री वो एपी चल रहा है मेरे को सब सिखाया हूँ नहीं करोगे अरे वो गलत है गलत है वो अरे देखो वन थ्री फाइव का चलेगा टू एन माइनस वन थ्री फाइव सेवन का क्या चलेगा टू एन प्लस वन और फाइव सेवन नाइन का क्या चलेगा टू टू एन प्लस थ्री बस हो गया कहो तो एक बार और टी एन लिखना सिखा दूं सर मजा आ गया सर टी एन लिखने अरे सर इससे नहीं होगा सर ये देखिए ये वैसे निकाल चलो आओ निकालते हैं ना करते हैं चलो वन पुट करो यही आ रहा वन आया थ्री आया फाइव आया सर टू वन आया थ्री आया फाइव आया ठीक कोई दिक्कत नहीं टू पुट करो सर फोर माइनस वन कितना हुआ थ्री सर क्या टू टू फोर हो गया खत्म एक को एडजस्ट करने मतलब एक को का एडजस्ट करने में फंसे अरे इतना सिंपल सा ये देखो इधर एक बार और देख लो निकालने का टीएन वन थ्री फाइव चल रहा है ना तो वन थ्री फाइव किस में होते हैं एपी में है ना तो एपी का एनए टर्म कितना आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए कितना वन प्लस एन माइनस वन डी कितना टू सॉल्व करो टू एन माइनस वन आएगा तो मतलब ये वन थ्री फाइव वाला वाले का आएगा टू एन माइनस वन अब देखो ये थोड़ा सा दो ज़्यादा है दो ज़्यादा चल रहा है उससे तो कितना आएगा टू एन प्लस वन ये उससे दो ज़्यादा चल रहा है तो कितना आएगा टू एन प्लस टू अरे कहाँ से कह रहा हूँ बता रहा हूँ टू एन प्लस थ्री सॉरी ठीक है बाकी एपी से भी देख सकते हो तीन पाँच सात आ रहा है तो वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा हाँ सर इसलिए रहा हूँ इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं बता पा रहे हो अभी टी एन नहीं लिख पा रहे हो समेशन की तो बात छोड़ अपना टाइम आएगा ये किसी का मिस कॉल आया क्या तो कोचिंग वाले नंबर पे काहे कॉल करेगा अच्छा तुम है ना तुम्हारा पर्सनल कॉल होगा नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पर्सनल कॉल आए क्योंकि उससे होगा क्या एक एडमिशन और हो जाएगा हो ना हो हमें पैसे से मतलब है सिर्फ तुम दोनों पढ़ाई नहीं करोगे ना बाकी तो और सब करेंगे इन सबको क्या मतलब है तुमसे चलेंगे सही